त्रिकुट नामक एक पर्वतरे एक विशाल उद्यान थिला। एहा जेतिकी सुंदर सेतिकी मनमुग्धकर मध्य थिला। फलरे सेठाकु सबुदिन स्वर्गरो अप्सरा और अप्सरी माने आसी किछि समय अतिवाहित करुथिले। पुनश्च से उद्यान मध्ये एक विशाल पुष्करणी भी थिला, जेउथि से अप्सरा अप्सरी माने समय समय जड़क्रीड़ा करी आनंदरे निज निज स्थानकु फेरी जाउथिले। तेबे दिनकर कथा, गोटिए बड़ हाथी तार केतेक सांगमानक सहित से राजदंडरे जीवा समय उद्यान स्थित से पुष्करणीटू देखि सेथिरु पाणी पीबा पाइ मन बळाइला। मात्र से पुष्करणी पाखकु जाइ से पाणीर स्वच्छतारे मुग्ध होइ हाथी सेथिरे पसि गाधेबाकु खूब इच्छा कला। परे से भी सेथिरु पाणी पीला आउ सेथिरे गाधेबाकु मध्य लागिला। गाधोइबा समय टिकिए गभीर पाणी को जाई से हाथी जल क्रीड़ा लागिगला। जल क्रीड़ा रे से हाथी अत्यंत आनंदित होता समय पाणी भितर कुंभीर टीए ए हाथीर गोड़ गोटे को धरी गभीर जल भितर को नहीं जीवा पाई टणाउटरा कला। मात्र से हाथी थिला खूब बलशाली, तेणु से हाथीटी तार समस्त शक्ति लगाई कुंभीर टी को पुष्करणीर कूल आड़ टाणी नहीं आसुथाए। तो कुंभीर पाणी भितर थी निजस्व शक्ति बल ए हाथी को गभीर पाणी भितर को भिड़ी नेउथाए। एमिती उभयंक मध्यरे टणाउटरा लागिथाए। एमिती अवस्था भितर हाथी तार समस्त जंत्रणा को सही नहीं कुंभीर कबल रक्षा पाइबा पाई आप्राण उद्यम करुथाए, किंतु शेषरे से निराश हो पड़ा। से हाथीटी से विपद भितर भगवानंक कथा ही चिंता कला। दयामय हरि से बुझिपारी चिंता कला, हे प्रभु एबे तो बिनु मोर अन्य गति किछि भी नाही। अवश्य भगवत चिंता कथा थिला तार पूर्व जन्मर अर्जित फल। एवं दयामय हरि हाथीर दुख देखि गजराज को उद्धार करथिले।